फरुखाबाद के दबंग पंकज पाल उर्फ सुशील कुमार पाल ने ग्राम समाज के सरकारी जमीन को अपना बताकर बेच डाला। जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ दबंग सत्ता का रसूख और प्रशासन को साथ लेकर सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। पूरा मामला ग्राम पिपर गांव तहसील सदर फरुखाबाद का, जिसकी गाटा संख्या 2159 पर दबंगों द्वारा कब्जा करके दीवार बना ली गई। वहीं उक्त गाटा श्रेणी 6-2 की सुरक्षित श्रेणी रास्ता के नाम अंकित है। दबंगों की दबंगई तब और चरम पर हो गई जब दबंगों ने ग्राम समाज की अधिकांश जमीन पर दीवार बनाकर घेराबंदी कर ली। वहीं मौके पर इंडियन प्राइम न्यूज की टीम पहुंची तो पता चला पंकज पाल उर्फ सुशील कुमार पाल बेहद दबंग है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने नाम ना खोलने की शर्त पर आईपीएन चैनल से बताया कि पंकज पाल उर्फ सुशील कुमार पाल की दबंगई इस कदर इस क्षेत्र में व्याप्त है कि प्रशासनिक अधिकारी उसके नाम से भी खौफ खाते हैं। तहसील से और पुलिस के कई कर्मचारियों से उक्त के बारे में पता करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं विश्वसनीय प्रपत्रों ने सारे राज भूमाफिया सुशील कुमार पाल के खोल दिए। प्रपत्रों के अनुसार खाता संख्या 2156 की 0.9470 हेक्टेयर यानी कि लगभग 4 बीघा जमीन 2011 में सुशील कुमार पाल ने कानपुर के अपने पार्टनर से पैसे लेकर पार्टनर के नाम ही लेने की बात कही थी, लेकिन जालसाजी करते हुए धोखे से अपने नाम जमीन खरीद ली। अब चलते हैं आगे की ओर। खाता संख्या 2156 से लगी हुई जमीन जिसका खाता संख्या 2159, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12 बीघा है, उक्त भूमि गाटा श्रेणी 6-2 की सुरक्षित श्रेणी रास्ता के नाम अंकित है। उक्त भूमि को भूमाफिया तहसीलदार की मिलीभगत से और पैसे व राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करके बेचना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में खाता संख्या 2159 को खाता संख्या 2156 बताकर उसमें से लगभग 7 प्लाट बेच दिया। इस काम में उसका सहयोग तहसीलदार और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। अब आपको भूमाफिया सुशील कुमार पाल का वो खेल बताएंगे जो शायद आज तक किसी मीडिया या अन्य प्रपत्रों में आपको नहीं मिलेगा। इस जालसाजी में प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रोल होता है, अब इसको भी सुनिए। कोई जागरूक व्यक्ति यदि इस जालसाजी की शिकायत संबंधित को करता है तो शिकायतकर्ता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये बात हम आपको बताएंगे। शिकायतकर्ता को भारी भरकम जुर्माना बता दिया जाता है कि जुर्माना लगा दिया गया है और फिर चुपचाप जुर्माने की राशि को भूमाफिया के हिसाब से ले देकर सेट कर दिया जाता है और ये लगभग प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में किया जा रहा है। वहीं सुशील कुमार पाल फिर से अपने काम पर लग जाता है। हर बार शिकायत करने वालों से फायदा सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी उठाते हैं। शिकायतकर्ता का ज़्यादा दबाव पड़ने पर राजनैतिक रसूखदारों का इस्तेमाल किया जाता है। उक्त कब्जे की शिकायत कई बार जिले के एसपी, एसडीएम और जिलाधिकारी से की जा चुकी है, लेकिन इन दबंगों की दबंगई के आगे किसी की हिम्मत नहीं हो रही कार्रवाई करने की। अगले अंक में हम इन सफेदपोशों और अधिकारियों के चेहरे से शराफत का मुखौटा उखाड़ फेंकेंगे। देखते रहिए सिर्फ आईपीएन चैनल।